हेलो फ्रेंड, वीजे स्टार द किंग चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रिंस ऑफ पर्सिया द फॉरगॉटन सैंड्स को। क्लासिक कंट्रोलर से अगर खेलना चाहते हो तो किस तरीके से हम उसको इनेबल करेंगे, कैसे खेलेंगे, तो आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, जो आपको क्लासिक कंट्रोलर की एक जिप फाइल होगी तो वो आपको डाउनलोड करनी है। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा उसकी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अगर डाउनलोड करना नहीं आता तो उसके नीचे एक वीडियो की लिंक भी है, तो उससे आप सीख सकते हो कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसका डाउनलोड हो जाने के बाद आपको जाना है ईएक्स फाइल एक्सप्लोरर में। अगर आपके पास नहीं है तो गूगल से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो हम ईएक्स फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे, तो जहाँ पे भी आपकी फाइल डाउनलोड हुई हो वहाँ पे चले जाना। तो मैंने अपनी फाइल को डॉल्फिन एमुलेटर के इन फोल्डर में रखा हुआ है, जिसमें POPTFS इस नाम से आपको जिस फाइल जो है वो मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हमको उस पर होल्ड करके रखना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, स्ट्रैक टू। तो हम चूज़ कर लेंगे हमें कहाँ पे स्ट्रैक करनी है। तो हमको करनी है डॉल्फिन मोड या फिर आपका MMJ जो भी हो उस पर क्लिक करके। इसके बाद कॉन्फ़िगर सेकंड नंबर पे जो है, उसके बाद प्रोफाइल, उसके बाद वी मोड, ठीक है। तो मेरे में ऑलरेडी जो फाइल मैंने डाल रखी है, फिर भी मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। आपके में फाइल नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो पहले की फाइल बनी हुई होगी उसको रहने देना है, ओके ओके कर देंगे तो ओवरराइड आ जाएगा। तो मैं ओवरराइड कर दूंगा क्योंकि मेरे में पहले से ही फाइल उसमें रखी हुई है, ठीक है। आपके में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉन्फ़िगर में गए, प्रोफाइल, वी मोड, ठीक है। ये आपको मिल गई जिसमें V0 लिख रहा है, ठीक है। और जिसमें V0N है वो तो ऑलरेडी रखी रहने देना है आपको, उसको डिलीट नहीं करना है, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात का, वरना गेम में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं डॉल्फिन एमुलेटर में, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या सेटिंग करनी है जिससे कि आप क्लासिक कंट्रोलर से उसको प्ले कर पाएँ गेम को, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं अपनी डॉल्फिन एमुलेटर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आपको गेम पे होल्ड करके रखना है, वी इनपुट पे करना है, इसके बाद एमुलेटेड पे करना है। इसके बाद यहाँ पे जब अगर आपका शायद क्लासिक कंट्रोलर हो जाएगा या फिर नॉन भी हो सकता है, तो आप इसको नॉन चक पे ही रखना है, ध्यान रखना नॉन चक पे ही रहे, ठीक है। उसके बाद इसको सेव कर देना है, ठीक है। अब हम चलते हैं गेम के अंदर, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको क्लासिक कंट्रोलर पे करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं गेम के अंदर, तो आपके सामने नॉन चक का जो कंट्रोलर का जो टच कंट्रोलर है वो आपको शो होगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपको अभी देखिए वर्क नहीं कर रहा है, ए बटन दबाने से ये स्किप हो जाता है जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं इसकी जगह रिमोट पे क्लिक करूँगा, क्लासिक कंट्रोलर चूज़ करूँगा। अब देखिए बटन वर्क कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है, देखिए फटाफट। तो अब मैंने सेव कर रखा है, मैं आपसे दिखा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको सेव कर रखा है, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वर्क कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको इसमें वेपन यूज़ करना है तो ZR बटन दबाओगे तो वेपन इसका यूज़ होगा, और अगर हैंड यूज़ करना है तो आप इससे कर सकते हो ZL से, ठीक है। L और R इसका कोई यूज़ में नहीं आएगा, ZL और ZR का यूज़ आएगा, ठीक है। और इससे आपका IR का काम करेगा, सेकेंड एनालॉग स्टिक से, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और जो Z बटन होता है वो Y काम करेगा इसमें, ठीक है, क्लासिक कंट्रोलर में, ठीक है। और बाकी ए बी बटन तो जो आपके वर्क कर रहे थे वो सब वर्क करेंगे अच्छे से। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा गेम, तो देखिए जेड बटन जो काम कर रहा था वो वाई बटन काम कर रहा है अब, ठीक है। अभी थोड़ा मैं एनिमी से जब फाइट लेंगे तब मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे वर्क करेगा, आपको आसानी रहेगी इसको प्ले करने में। तो क्लासिक कंट्रोल बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, तो हम वर्क कर सकते हैं, देखिए ये देखिए हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। Thank you.
अभी हमारे ग्रैब का बटन भी आएगा, आ चुका है, तो हमें ग्रैब करना होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, अब हम ऊपर चढ़ेंगे, देखिए अब ग्रैब करना है तो ZL बटन दबाना है, ये इसके बाद इसको उठा के फेंक देगा। ठीक है, और वेपन का यूज़ करना है तो आपको R का यूज़ करना है और ZL का यूज ऐसे करना है, अगर किसी को हमें ग्रैब करके उठा के फेंकना है, ये देखिए ऐसे ग्रैब करके हम फेंकेंगे। तो फ्रेंड आप देख रहे हो क्लासिक कंट्रोलर अच्छे से वर्क कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमने इसकी ढाल जो है तोड़ दी है, अब हम इसको आसानी से मार सकते हैं एनिमी को। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट गेम प्ले, नेक्स्ट चीट कोड जो भी उसके साथ मिलेंगे। ठीक है, बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखना। Cause I'm a live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be with it. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got